हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी बिगिनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो ये जानना चाहते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर कितना ब्रोकरेज चार्ज लगता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले दो दिनों से हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग करने में कितना मुझे ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ा है उसका मैं कॉन्ट्रैक्ट नोट ओपन करके लाइव आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस किस चीज के आपको कितने ब्रोकरेज चार्ज देने पड़ते हैं। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे तीन दिन पहले हमने ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर कितना ब्रोकरेज चार्ज लगता है उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो को भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर कितना ब्रोकरेज चार्ज लगता है। तो दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर ब्रोकरेज चार्ज को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले ग्रो के चार्जेस एंड प्राइस वाले पेज पर आ गए हैं, जहां पर आपको सारा डिटेल दिया गया है कि किसमें आपको कितना ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर समझ लेंगे, इसके बाद मैं आपको लाइव अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट ओपन करके दिखाऊंगा जिसमें मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग किया हुआ था और उसमें मुझे कितना चार्ज देना पड़ा है, तो उसको मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि ब्रोकरेज चार्ज कितना लगता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझते हैं इक्विटी ब्रोकरेज में। तो ₹20 या फिर 0.05% पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का मतलब एक बार अगर आप बाय करते हैं तब, एक बार सेल करते हैं तब, यानी कि अगर आप एक सिंगल ट्रेड लेते हैं बाय करके सेल करते हैं तो आपको दो ऑर्डर वहां पर काउंट किया जाएगा। इस हिसाब से ₹40 या फिर 0.05% का दो बार आपको पे करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए, विच एवर इज लोअर, इसका मतलब यह है कि ₹20 या फिर 0.05% में से जो कम रहेगा उस चार्ज को आपसे वसूला जाएगा, ₹20 से अधिक नहीं होगा किसी भी केस में। ठीक है, आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में तो आपको पता ही होगा, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। अब यहां पर देखिए रेगुलेटरी चार्जेस कितना लगता है इक्विटी के अंदर। तो देखिए, हम लोग इक्विटी के अंदर इंट्राडे और डिलीवरी दो तरह का ट्रेड करते हैं। तो देखिए, इंट्राडे में आपको कितना चार्ज देना पड़ता है, एसटीटी चार्ज 0.025%, जो कि केवल सेल करते समय लगता है, बाय करते समय नहीं लगता है इंट्राडे के अंदर। और वहीं डिलीवरी के अंदर देखिए 0.1% का चार्ज लगता है, एक बार बाय करते समय भी और एक बार सेल करते रहेंगे तब भी लगेगा। तो इस तरह से आपको यहां पर समझना है, बाकी आप नीचे समझ सकते हैं। देखिए, स्टैम्प ड्यूटी बाय करते समय लगेगा और इसमें भी बाय करते समय लगेगा, सेल करते टाइम स्टैम्प ड्यूटी चार्ज नहीं लगता है। सेम इसी तरह से एक्सचेंज चार्ज कितना लगेगा, एनएससी में करते हैं तो, बीएससी में करते हैं तो, दोनों में सेम ही है वैसे तो बाय करते समय भी लगेगा और सेल करते समय भी लगेगा। ऐसी सेवी टर्नओवर चार्ज लगता है और डीपी चार्ज लगता है। तो देखिए, डीपी चार्ज इंट्राडे में आपको नहीं देना पड़ता है बाय और सेल दोनों करते समय। तो चलिए अब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नोट की मदद से समझते हैं कि हमसे कितना ब्रोकरेज चार्ज लिया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, मुझे ग्रो ऐप की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट नोट का पीडीएफ ईमेल के थ्रू रिसीव हो चुका है, जो कि 1 अगस्त के लिए और 2 अगस्त के लिए मैंने जो ट्रेड लिया हुआ था उसका कॉन्ट्रैक्ट नोट है। तो सबसे पहले मैं 1 अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट नोट ओपन करता हूं और उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो यहां पर मैं इसको ओपन कर लेता हूं। अब इसके बाद आपको नीचे की तरफ आ जाना है और इसके बाद आपको यहां पर पीडीएफ मिलेगा। जैसे ही आप पीडीएफ को ओपन करने जाएंगे, आपको यहां पर पासवर्ड मांगेगा। तो यहां पर पासवर्ड के रूप में आपको अपने पैन कार्ड का नंबर कैपिटल लेटर में डाल करके ओपन कर लेना है। तो मैंने यहां पर अपना पैन नंबर पासवर्ड के रूप में इंटर कर लिया कैपिटल लेटर में। अब यहां सिंपली ओपन पर क्लिक करता हूं। अभी आप यहां पर देख सकते हैं मेरा कॉन्ट्रैक्ट नोट का पीडीएफ ओपन हो गया है। चलिए, अभी इस पीडीएफ में मैं आपको डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन करता हूं कि क्या चीज में और कितना चार्ज कटा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले इक्विटी में हमने ट्रेड किया था। यहां पर आपको ऑर्डर नंबर, ऑर्डर टाइम, ट्रेड नंबर और ट्रेड टाइम, ये चार चीज देखने को मिलता है। इसके अलावा आपने किस कंपनी में ट्रेड लिया हुआ था वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो यहां पर देखिए, मैंने टाटा मोटर्स लिमिटेड में लिया हुआ था, एक्सचेंज था एनएससी। अगर आपने बीएससी में किया होगा तो यहां पर बीएससी दिखाई देगा। इसके बाद आपने बाय किया है या सेल किया है वो आप यहां पर देख सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट बार में मैंने बाय किया, उसके बाद मैंने सेल किया। क्वांटिटी कितना था, 1 था, तो मैंने यहां पर 1 क्वांटिटी बाय किया तो यहां पर प्लस में है, जब मैंने सेल किया तो माइनस में हो गया। अब यहां पर प्राइस क्या चल रहा था उस टाइम, ₹470.80। ठीक है, तो ग्रोस रेट यहां पर दिखाई दे रहा है दोनों में 470.80। सेम चीज आपको यहां पर नेट रेट में भी देखने को मिलेगा। और फाइनल हमारा जो रेट था 470.80 और यहां पर भी वही रेट था। ठीक है, तो हमने सेम रेट पर खरीदा और सेम रेट पर बेच दिया, तो हमको ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही तो लॉस हुआ। तो
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस। अब देखते हैं हमको इसमें कितना चार्ज देना पड़ा है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ आपको आ जाना है और चार्ज यहाँ पर आपको सारी डिटेल दिखाई देगी। ब्रोकरेज चार्ज कितना लगा ये इम्पोर्टेंट है, तो 0.48 रुपीज यहाँ पर लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर पूरा चीज़ देख सकते हैं क्या क्या चीज़ का चार्ज लगा है। जैसे एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज 0.03 रुपीज। इसके बाद CGST, SGST और IGST, इनमें से देखिए IGST 0.09 रुपीज लगा हुआ है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ जो रेगुलेटरी चार्जेस हैं वो तो सब में सेम रहता है, किसी भी ब्रोकर में आप जाएं। मेन चेंजेस क्या दिखता है, जो ब्रोकरेज चार्ज लगता है यहाँ पर, तो ये वाले ब्रोकरेज चार्ज को हम लोग समझते हैं कि -0.48 रुपीज क्यों काटा गया। देखिए आपको वहां पर क्या बोला गया था कि आपसे 20 रुपए या फिर 0.05% लिया जाएगा। तो ये जो 48 रुपीज है ना, -0.48, ये क्या है 0.05% किसका है, तो इसका है 470.80 का 0.05% निकालेंगे तो कितना आता है हम लोग देखते हैं कैलकुलेटर में। तो अभी मैं यहाँ पर कैलकुलेटर में आ गया हूँ। अब देखिए उसका प्राइस क्या था 470.80, तो इसका हम लोगों को कितना निकालना है 0.05% निकालना है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको डिवाइड कर देंगे 100 से तो हमारा ये परसेंटेज निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं 100 से डिवाइड कर देता हूँ तो कितना आया 0.23 आया, ठीक है। तो इसको हम लोग 0.24 मानेंगे क्योंकि आगे 5 है, ठीक है, तो 24 हो जाएगा। एक बार का एक ट्रांजेक्शन पर 0.24 लग रहा है, तो दो बार ट्रांजेक्शन होता है, एक बार बाय करते समय एक बार सेल करते समय, तो 0.24 अगर ऐड करेंगे तो 0.48 आएगा। तो वही चीज आपको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिल रहा है कि 0.48 रुपीज आपका यहाँ पर कट हुआ है ब्रोकरेज के रूप में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.48 रुपीज। तो आई थिंक यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ब्रोकरेज चार्ज किस तरह से काटा जाता है। अब देखिए ये अमाउंट 470 रुपए था, इसलिए यहाँ पर 0.05% काटा तो ठीक है। अगर यही अमाउंट 10,000, 50,000, 1,00,000 के ऊपर होता तो 0.05% हो सकता है कि ये 50 रुपए, 60 रुपए हो जाता ब्रोकरेज, जो कि यहाँ पर 0.48 रुपीज दिखा रहा है, ये हो सकता है 50-60 रुपए हो जाता। तो 50-60 रुपए काटा नहीं जाता आपसे, आपसे केवल 20 रुपए काटा जाता, यानी कि वहां पर बोला गया था ना 20 रुपए काटेगा या फिर 0.05%। तो उन दोनों में से जो कम रहेगा उस चार्ज को आपसे लिया जाएगा। तो 20 रुपए से अधिक आपका चार्ज हो ही नहीं सकता। 20 रुपए से अगर अधिक जाता है ये 0.05% वाला, तो फिर 20 रुपए आपसे लिया जाएगा। तो आई थिंक कि आपको ये कैलकुलेशन जरूर समझ में आया होगा। इसी तरह से आप जो रेगुलेटरी चार्जेस थे ना कि 0.001%, 0.01%, तो उन सबको अगर 470 का अगर 1% निकालेंगे 0.01%, तो वो आपको यहाँ पर निकल जाएगा और वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि आपसे कितना ब्रोकरेज चार्ज काटा गया है। अगर सबका कैलकुलेशन करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बन जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर डेमो के लिए केवल एक का कैलकुलेशन करके दिखाया कि 0.48 रुपीज कैसे आया। तो दोस्तों ये वाला कॉन्ट्रैक्ट है 2 अक्टूबर वाला, तो इसमें मैं आपको दिखाता हूं कि क्या हमने ट्रेड किया हुआ था। तो ऑर्डर नंबर, ऑर्डर टाइम, ये सारी चीजें तो सेम रहेगी, इन सब का कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल। यहां पर देखिए मैंने जेल इंडिया में ट्रेड लिया हुआ था, एक्सचेंज था NSE, और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमने पहले सेल किया उसके बाद बाय किया, यानी कि समझ रहे हो शॉर्ट सेलिंग किया हमने यहां पर। पिछले वाले कॉन्ट्रैक्ट में क्या था कि हमने पहले बाय किया हुआ था इसके बाद सेल किया, यहां पर हमने सेल किया इसके बाद बाय किया, क्वांटिटी सेम था। तो यहां पर देखिए पहले सेल किया तो इसलिए यहां पर माइनस में दिखा रहा है, इसके बाद बाय किया तो वो बराबर हो गया। इसी तरह पिछले वाले कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, ऊपर वाला प्लस में था और नीचे वाला माइनस में था, क्योंकि हमने पहले बाय किया था फिर सेल किया था, ठीक है। प्राइस क्या था 143.15 रुपए, तो इसी का हम लोगों को परसेंटेज निकालना पड़ेगा, ठीक है, 0.05% ब्रोकरेज चार्ज अगर निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 143.15 रुपए ही हमने बाय किया और सेल किया, 0 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस रहा। और यहाँ पर अगर नीचे की तरफ आएंगे तो ब्रोकरेज चार्ज, बाकी सारी चार्जेस भी आप निकाल सकते हैं जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ब्रोकरेज चार्ज को देखिएगा। तो यहाँ पर कितना, इसको मैं फिर से एक बार कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ जिससे आपको कन्फर्मेशन हो जाएगा डबल बार। तो यहाँ पर 0.14 रुपए काटा गया है ब्रोकरेज चार्ज के रूप में। तो 0.14 कहाँ से आया, 143.15 का हम लोग क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैं कैलकुलेटर में आ गया हूं, 143.15 का हम लोगों को कितना निकालना है, 0.0
0.05% निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दिए और डिवाइड कर देंगे हम लोग 100 से, तो क्या आ जाएगा 0.07 रुपीस। ठीक है, तो 0.07 है, अगर इसको हम लोग दो बार करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, चलो इसको मल्टीप्लाई कर ही देता हूं, तो क्या आ गया 0.14 रुपीस। दो बार क्यों? क्योंकि दो बार हम लोगों ने एक बार बाय किया एक बार सेल किया, तो दो बार हम लोगों को ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ा 0.7 रुपीस। तो 0.7 करेगी तो कितना हो जाएगा 0.14 रुपीस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को यहां पर ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ा है 0.14 रुपीस। आई थिंक यहां पर आप लोगों को अच्छे से डबल कंफर्मेशन के साथ क्लियर हो गया होगा कि ब्रोकरेज चार्ज हमसे कितना लिया जाता है। अगर यहीं पर ठीक है, अगर यहीं पर ये जो प्राइस है बहुत ज्यादा रहता है, जैसे कि 143 रुपए का निकाले तो बहुत कम सा अमाउंट आया है ना, एक रुपए भी नहीं आया, तो आप लोगों को आई थिंक कैलकुलेट करने में भी थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा। लेकिन अगर यही अमाउंट बहुत बड़ा होता, यानी कि 1 लाख 2 लाख रुपए रहता, तब आप क्या करते, तब आप कैलकुलेट करते, तो हो सकता है कि 0.05% अगर उसका निकालते तो 50 रुपए 70 रुपए हो सकता था। तो उतना ज्यादा ब्रोकरेज चार्ज नहीं लिया जाएगा, 50 रुपए 60 रुपए, मैक्सिमम आपका 20 रुपए ब्रोकरेज चार्ज हो सकता है। जैसे आपको इस वीडियो में मैंने पहले भी बताया कि या तो 20 रुपए लेगा या फिर 0.05%, विच एवर इज लोअर, यानी कि जो इनमें से कम रहेगा उसको आपसे ब्रोकरेज चार्ज के रूप में लिया जाएगा। और दोस्तों एक चीज और बताना था, अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आता है ग्रो ऐप के अंदर, तो आप लोग को यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है जो कि कस्टमर केयर का नंबर है। इस नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हो कि हमारा ये प्रॉब्लम हो गया है, इसको कैसे सॉल्व करना है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर पूछ सकते हो कॉल करके। इसके अलावा आपको ईमेल आईडी भी मिलता है, तो इस पर आप सपोर्ट मांग सकते हो। लेकिन ये सारी चीजें आपको वर्किंग टाइम में ही करना है, अगर आप नाइट के 10 बजे करेंगे तो वो सब चीज नहीं हो पाएगा यहाँ पर कॉल वगैरह, वर्किंग टाइम में ही करना है और मंडे टू फ्राइडे ही करना है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।